नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबूजी, मैं एक बात पूछूं? पूछो। आप कोई भी काम करते हो तो ठाकुर जी के कहने पर ही क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि ये डरते हैं। तुम कौन हो बेटी? वैद्य जी, ये गांव की नई मास्टरनी है। नमस्ते मास्टरनी जी। वैद्य जी, आप क्या चाहते हैं कि पूरा गाँव ठाकुरों की मार खा खा कर अपने जख्म खुले लेके घूमता रहे? जिसकी तकदीर में जो लिखा हो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जख्मों का इलाज कर सकते हैं। ये तो रात को चैन की नींद सो जाएगा और ठाकुर है मुझे उल्टा लटका देगा। मैं ये कहना चाहती हूँ वैद्य जी कि भगवान ने आपको धनवंती बनाया है, आप बेफिक्र होकर इनका इलाज कीजिए, वरना मरने के बाद आप भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो बेटी। दरअसल डर और दहशत की वजह से मैं ठाकुर के दबाव में आ चुका था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसका इलाज अवश्य करूंगा, अवश्य, तुम चिंता मत करो। वैद्य जी, आप गांव वालों का इलाज कीजिए, मैं ठाकुरों का इलाज करने शहर जा रही हूँ। अगर उसने जबान खोल दी तो हम सबकी ऐसी की तैसी, सबकी ऐसी कम तैसी। किसकी बात कर रहा है तू? अरे गांव वालों की बात कर रहा हूँ ठाकुर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम इंस्पेक्टर? गांव वाले हमारे खिलाफ गवाही देंगे? उनकी मैयत आई है क्या? अरे वो हमारे खिलाफ क्या गवाही देंगे, वो तो पहले से ही गुंगे हैं गुंगे। इन ससुरों को तीन ही काम आते हैं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं, रात को शेर सिंह की दारू पीते हैं और रात को बच्चे पैदा करते हैं। इसीलिए तो तुम्हारी जहरीली शराब पीकर नन्ने का भाई पोपट मर गया। अबे मर जाने दे सालों को, और बच्चे पैदा कर लेंगे। ठाकुर, स्कूल टीचर कल सुबह डीएम के पास जा रही है, ये ससुरी की तो मैं बचा दूं। तू काय को फुदक रहा है? डीएम के पास जा रही है ना, डीएम किसके पास आएगा? तोरे पास? हमारे पास ही आएगा ना, उस ससुर को आने दो, उसे देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस साली टीचर को देखना है। बच्चों को पढ़ाती पढ़ाती खुद भी बच्ची हो गई है, अब हम उसको ऐसा सबक पढ़ाएंगे कि उसके बाद वो प्रिंसिपल को भी पढ़ा सके। चल हम आ रहे हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बेटा तो रुद्रपुर पहुँच जाना और रेशमा से राखी बंधवा लेना। बेटा आज बहनों का दिन होता है। माँ मैं रुद्रपुर भी जाऊँगा और दीदी से राखी भी बंधवा लूंगा। वैसे छोटू तो सुबह निकल गया ना ट्रेन से। हाँ। मैं भी चलता हूँ। अच्छा बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बिग ब्रदर? अरे दीदी आप, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। छोटू वहाँ पहुँचा ना? जब मैंने कहा था कि मैं यहाँ आ रही हूँ, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हाँ पकड़ो माँ, चल राखी बांध बेटी। भैया अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, भैया भैया मुझे गांव तक छोड़ दो। अरे तू अभी अभी तो आई है और जाने की बात कर रही, आखिर बात क्या है? भैया सुबह मैं डीएम के बंगले पे गई थी, गांव की हालत ठीक नहीं है। देख रेशमा, तू मेरी बात गौर से सुन, तू सिर्फ अपने काम से काम रख। अरे जमाना बहुत खराब है। अमर ठीक कहता है बेटी, कभी कभी दूसरों की मदद करने वाला खुद ही फंस जाता है। माँ जब मदद करने की ठानी ली है तो फिर डर कैसा? माँ इसको समझाना बिल्कुल बेकार है, मैं चलता हूँ। रेशमा तू रुक, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ, मैं छोटे के साथ ही खाना खाऊंगी, वो अब तक भूखा होगा, बिना राखी बंधवाए वो खाना कहाँ खाता है। माँ मैं चलती हूँ। बेटे लगता है तेरी बहन आज नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो देर से आएगी। जा बेटे तू खाना खा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जा बेटे। नहीं नहीं, जब तक मेरी बहन मुझे राखी नहीं बांधेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे भाई तुम्हारी बहन आ जाएगी फिर तुम उससे राखी भी बनवा लेना, पहले चल के खाना तो खा लो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर एक स्कूल की टीचर रहती है,
उसका पता बताएंगे आप? कहाँ गई मुझे मालूम नहीं। फालतू बकेट बर्बाद मत कर। यहाँ मास्टरनी का भाई। ओ मास्टरनी का छोटा भाई। चिकना है। अरे बेटा ये बताओ तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? क्या काम है आपको? छोटा सा काम है, हम सब मिलकर उसका चीर हरण करना चाहते हैं। तेरे को मारना भी नहीं आता, मैं दिखाता हूं। ए, अगर तुमने और अगर तुमने जबान खोली तो तुम दोनों का भी यही हाल होगा, समझा? इस खून को याद रखूंगा। क्या करें? भैया, भैया, राजेश, राजेश, राजेश मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? मास्टर जी मेरे भाई को किसने मारा? बेटा हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। चौकीदार तुम बताओ, तुमने तो देखा होगा। हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? राजेश मेरे भाई, मैं उन कमीनों से तेरे खून का बदला जरूर लूंगी। बता, नहीं तो तेरा गला काट दूंगी। ठाकुर का जाज और पतलू ने मारा है। ठाकुर नहीं बचेगा तू। सरकार ठाकुर, तुम में से कोई भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मारूंगी, समझे? चुन चुन कर मारूंगी। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, इस स्कूल टीचर का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लगता है इसकी पढ़ाई में कुछ खामियां रह गई हैं। आप बोलेगी मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, नहीं। हाँ बोली ना। टीचर टीचर मुझे पढ़ाओ ना। मुझे भी पढ़ना है। मुझे भी पढ़ना है। और नहीं। मैं भी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे चुप चुप चुप, पहले मैं पढ़ूंगा। मेरे सामने ये सब ठीक नहीं है। मैं वर्दी में हूँ और कानून। मैं समझ गया। एक काम करो, अपनी आंखों पे ये पट्टी बांध लो और औंधे हो जाओ। वैसे भी कानून अंधा होता है। कानून अंधा होता है। अंधा अंधा। पहले मैं, आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद कर। लेकिन अंदा ले। पढ़ाने आई हैं। टीचर जी चलो। इधर चलो। चलो अदालत चलना है।
पहले ये बता, तूने मेरे भाई की लाश का क्या किया? ठाकुर ने कहा है उसे तेरे भाई को सौंप दी जाए और इसका इल्जाम बदलू के सर रहे, जिसका कत्ल तूने किया है। तू सुअर की औलाद है जनार्दन, मेरी एक बात नोट कर ले, एक दिन मैं तेरा हिसाब किताब जरूर करूंगी। हिसाब किताब तू मेरा क्या करेगी? पहले देख अदालत तेरा क्या हिसाब करती है। हाँ, एक बात और नोट कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी FIR दर्ज की है कि तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। चलो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमा रेशमा सिंह को बदलू उर्फ बादल सिंह के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत यह अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। बन गई गई इच्छा देने आई थी, मुजरिम बनकर जा रही है रे। उसके बाद अदालत ने मेरी तकदीर में फांसी की सजा लिख दी। अदालत के बाहर मेरा भाई भी आया था, लेकिन वो भी क्या कर सकता था, सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। भाई की अर्थी उसने कहीं दफना दी होगी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ रेशमा। मैं चाहती हूँ सरदार कि आपका सहारा पाकर मैं उन कुत्तों का खात्मा कर सकूं और अपने भाई की कसम का बदला ले सकूं और उस गांव से अत्याचार का दमन कर खुशहाली ला सकूं। हमें तुमसे हमदर्दी है रेशमा, क्योंकि हम खुद ऐसे ही जुल्म सितम की भट्टी में तपते तपते तलवार बन चुके हैं। रेशमा, मेरी बेटी रानी राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भाई साहब, हम लोग तो बस थोड़ा सा यूं ही बैठ कर। अच्छा, इसमें डरने की क्या बात है? भाई साहब, आज इसका मूड नहीं है काम पे जाने का, हम बस ऐसे ही। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें डरने की क्या बात है? मैं भी यही कह रहा था कि पहले काम फिर कुछ। शादी के बाद तो रानी को घर गृहस्थी संभालनी है, फिर मौका कहाँ मिलेगा इसे। जाओ, अभी तो टाइम है, डांस वांस करो, घूमो फिरो। अच्छा पापा। जाओ बेटे, ऐश करो, जाओ जाओ। बाद में फिर पापा तुम्हारा तुम्हें मौका नहीं देगा। जाओ जाओ बेटा, चलो। अरे मेरी Ah!
रीटा, 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 रीटा बोल, बोल किसने हालत की तेरी, बोल, बोल रीटा, बोल। हाँ, नहीं। बोल रीटा, मैं उन लोगों को जिंदा ले जाऊंगा रीटा, बोल रीटा, बोल किसने तेरी हालत की रीटा, बोल मुझे एक बार उन लोगों का नाम बता दे, नाम बता दे रीटा, नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को। नहीं छोड़ यार, रानी को मारकर हम लोगों ने ना अच्छा नहीं किया। हम लोग का झगड़ा ना राजीव के साथ था ना। अरे तू क्या बकवास कर रहा है यार। ठीक बोल रहा हूँ ना यार, हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? तू समझता क्यों नहीं है? देख भाई, उसके बाप से तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मेरे को उसके बाप से। सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ मैं, बिली डर ले रहा है यार। उसके बाप का दिमाग ना पठान का दिमाग है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मालूम है क्या? तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे खून का मामला है भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है यार। अरे चुप करना यार, चुप कर तू। अरे चुप रहना यार। देख भाई, तू उसके मंगेतर राजीव को नहीं जानता। अरे भाई अभी भी मौका है, ठंडे दिमाग से सोच लो। Thank you.